맞춰 잠글 소리게 सर झुका के सबके प्रणाम करतानी गोर लगतानी भोजपुरिया जहान हम अक्षरा सिंह स्वागत करतानी सुर के ओ जंग में जेकर नाम बा जिला टॉप जंग सुर के हजारों हजार प्रतिभागियन के ऑडिशन के बाद हमनी के मिल गयी 24 गो बेमिसाल जिला के 24 गो बेजोड़ प्रतिनिधि योद्धा आपन बलबूते बाकी सब के पछाड़ के एहिजा तक पहुँचने में कामयाब भइल बाड़न आज से 24 जिला ई मंच पर आपन सुर के जलवा बिखेरिए जी जान से लड़िए और हम सब से आपन गायकी के लोहा मनवाइए आज से शुरू होके जा रहल बा जिला टॉप बने के असली जंग के पहला चरण तो शुरू कइल जाओ सुर के सुरीली जंग के लेकिन ई काम के अंजाम देवे खातिर जरूरत होगी एक ऐसा न्याय मंडल के जे बिना कोनो बैर बिना कोनो भेदभाव के सच्चे दिल से 24 गो योद्धा लोगन के परफॉर्मेंस पर पूरा पारदर्शिता से न्याय कर सके तो चलिए स्वागत कइल जाओ ऐसन ही एगो शख्स के अपन माटी के ऐसन लाल जे आपन संगीत के ना सिर्फ आपन जिला गांव देश में बल्कि विदेश में भी आपन संगीत के परचम लहरोले बाड़े संगीत से आपन जिला के विश्व पटल पर पहचान दिलावे वाला राजेश पांडे जी प्रणाम राजेश जी प्रणाम जी आपके न्यायाधीश के रूप में ए मंच पे स्वागत बा बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा हम एक बात जाने के चाहें कि रउआ ए मंच से का उम्मीद बा उम्मीद ये बा के अपन अपन खुटा गारस और पूरा दुनिया में भोजपुरी के और अपना माटी के जे सुगंध बा फैलावस एगो और बात हम कहे के चाहते नहीं जी अरे हमनी के तो खून में गाना बजाना बा जी हम सब तो बुलेबो करे तनी सुर में जैसे अरे अक्षरा हाँ बोली अब हम एक ऐसी शख्सियत के आमंत्रण देवे के चाहत आनी जे पिछला 3 दशक से सबके मन मोह ले ले बा 9 साल की कम उम्र में आपन पक्की आवाज के साथ गावत आ रहल बाड़ी इनकर आवाज दुनिया भर के अच्छे अच्छन के हिलौले बा आज अपन उपस्थिति से मंच के जगमगावे आ रहल बाड़ी हमार न्याय मंडल के बेखौफ न्यायाधीश पूर्णिमा जी मेरे साथ बोलना अठारह बरस के कवारी कली थी घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी अठारह बरस के कवारी कली थी घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी फसी गोरी फसी गोरी छुपके से
थैंक यू पूर्णिमा जी, आपके देख के पूरा भोजपुरिया जहान गदगद हो गई। जर्रा नवाजी। आप क्या कहे के चाहे हमारे दर्शकन से? मैं सोचती हूँ ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हर एक बच्चा अपने जिला की जिम्मेदारी जी बिल्कुल एक बीड़ा उठा कर आ रहा है कि वो अपने जिला को पूरे इस मैं समझती हूँ देश के सामने उसकी संस्कृति को पेश करे, उसकी संगीत की एक महानता को पेश करे। और महुआ चैनल के हम सब ने शुक्रगुजार होने चाहिए, वो इसलिए कि ऐसे बच्चों को उन लोगों ने, महुआ चैनल ने इतना एक बड़ा मंच दिया अपनी प्रतिभा बताने के लिए, अपनी प्रतिभा और अपने जिला की प्रतिभा को सबके सामने पेश करने के लिए। तो ये बहुत खुश नसीबी है बच्चों की और हमारी। तुम्हें ऐसे कर सकती? मैं भी कर सकती। नहीं नहीं, हाँ भी दे सकती। दोस्तों, अब हम उस शख्सियत के आमंत्रण देवे जा रहल बानी जे आपन पहचान ऐसे ही एक मन से बनौले बाड़न, जे गांव के एगो आम लेकर रहले। आज भोजपुरी संगीत में उनकर एगो अलग मुकाम बा, एगो अलग पहचान बा। उ बाड़े हर नौजवान के प्रेरणा स्रोत जे गायक बने के चाहत बाड़े। उ रहले मऊआ चैनल के सुपर हिट शो सुर संग्राम के प्रतिभागी। उनकर का नाम बा बताएं? गाजीपुर के मनोहर सिंह। खुलल के सिया के हवा देता हम के जीएला, अपना अखिया के दारू देता हम के पीला, खुलल के सिया के हवा देता हम के जीला। क्या बात है, जोरदार ताली, बहुत अच्छा लगल, मन मोह ले ले हो। अक्षरा जी का बताई रहा, और स्टेज पर देख के हमरो मन आपके देख के ना खलवला गेल बाटे, बहु खला गेल बाटे। धन्यवाद, हम आपके बहुत बढ़िया फैन बाटे। और आज पजरा देख के ना पता नहीं का होता दिल में, हुदुद हुदुद गुदुद गुदुद करता है। हम आपके बहुत बढ़िया फैन बाटे। शुक्रिया। शुक्रिया दोस्तों। मनोहर न्याय मंडल के भागीदार नहीं थे बल्कि हमार जोड़ीदार बाड़न। त मनोहर हम रहब मंच पे और रहुआ जाई बैकस्टेज प्रतिभागियन के साथ। जी अक्षरा जी, हम ये चाहता नहीं काहे कि टीवी के सामने जितना भी लोग देखत है कार्यक्रम के, राउर के चाहता कि हम मंच पे रही। ओहो, दिखावत रही पर चांद सा मुखड़ा सब करा के। धन्यवाद, हम तो इसे देखते रहो। ओके ओके।